Welcome once again, dear friends, and in the previous video of expenditure method, we have seen the formula, and now we are going to understand the components of various components of final expenditure. जो इससे पहले वाले में हमने देखा था कि जो confusion जो बच्चों को सबसे अधिक होता है वो gross domestic capital formation. कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम. इसलिए जब ग्रॉस डोमेस्टिक हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट का जो एंगल है उसको ध्यान रखने की जरूरत है. तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जिसको कहा सकता है, और ये बराबर होता है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसे हम चेंजिंग स्टॉक भी कहते हैं. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और जिसे हम चेंज इन स्टॉक भी कहते हैं. फिर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के तीन कंपोनेंट हो जाते हैं, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, और तीसरा है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट. ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो है, जब चेंज इन स्टॉक करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. अब हम आते हैं इस कंपोनेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर PFC ये क्या होता है. नाम से ही क्लियर है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस किसके द्वारा, हाउस होल्ड के द्वारा. इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाई हाउस होल्ड एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन. ध्यान देना है, ऐसा एक्सपेंडिचर जो प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है, वो उनके द्वारा सर्विंग हाउस होल्ड्स ऑन ऑल टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स. तो प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन जो है, जो हाउस होल्ड की सेवा में लगे हुए हैं, ऑन ऑल टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स ड्यूरेबल एक्सेप्ट हाउसेज. ये ध्यान रखना होगा, ड्यूरेबल तो हो लेकिन एक्सेप्ट हाउस नहीं होगा, ठीक है. सेमी ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज. तो ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कंपोनेंट ये क्या होता है, इसको देखा. अब आते हैं PFC, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. PFC निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और उसमें जोड़ देंगे प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड और उनके फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है. तो प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये. इसके बाद PFC इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स वेदर इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और अब्रॉड. ये ध्यान देना है, यहाँ के PFC किसको इंक्लूड करता है, इनकर्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स, ये ध्यान देने की बात है, वेदर इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और अब्रॉड. सो एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाई रेजिडेंट्स ड्यूरिंग देयर फॉरेन टू ट्रेवल विल बी एडेड इन द PFC. हाउएवर एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाई नॉन रेजिडेंट्स एंड फॉरेन विजिटर्स इन द डोमेस्टिक मार्केट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम PFC. ये ध्यान देने की बात, इसी टेक्सचुअल फॉर्म को वो न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. यहाँ ध्यान देने की योग्य बात है, ध्यान देंगे, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज इज ट्रीटेड एज कैपिटल फॉर्मेशन और इंक्लूड अंडर द ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट एंड नॉट एज ए ड्यूरेबल कंजम्पशन. अदर कॉस्टली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लाइक कार, एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा इंक्लूडेड अंडर द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ये ड्यूरेबल तो है हाउस, लेकिन कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट के आता के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको ध्यान रखना. कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूड अंडर
ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। जो कि ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट क्या है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट हमने बताए थे, ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट और तीसरा है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं तो हमने अभी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को देखा कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, जिसमें आपने देखा कि हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउस होल्ड्स फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसमें जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है नॉर्मल रेजिडेंट्स का ही इंक्लूड करते हैं, वेदर इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और अब्रॉड। सो एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाई रेजिडेंट ड्यूरिंग द फॉरेन टूर ट्रेवल विल बी एडेड एज अ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउ एवर एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाई नॉन रेजिडेंट्स एंड फॉरेन विजिटर्स इन द डोमेस्टिक मार्केट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। चलिए, तो अगला हमारा वीडियो होगा वो किस पर होगा, तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर GFCE, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर GFCE पे। थैंक यू।